नमस्कार, मैं प्रिया। धाराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले अब घट रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 50,407 नए केस सामने आए हैं और 804 लोगों की जान गई है। कल 58,077 मामले दर्ज किए गए। देश में पॉजिटिविटी रेट अब 3.48% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 6,10,443 हो गई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फैमिली कोर्ट की तरफ से बच्चे की अभिरक्षा मां को दिए जाने के खिलाफ दायर की गई अपील से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए बच्चे के माता और पिता को स्मार्टफोन रखने का निर्देश दिया है। राहुल गांधी ने बेरोजगार लोगों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है। यही नहीं, उन्होंने बेरोजगारी से परेशान लोगों द्वारा आत्महत्या किए जाने के मुद्दे पर भी भाजपा नीत केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस नेता ने ट्विटर के जरिए एक आर्टिकल भी शेयर किया जिसमें कहा गया कि साल 2018 से लेकर साल 2020 के बीच बेरोजगारी और कर्ज की वजह से 25,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के धुआंधार प्रचार जारी है और अब वोटिंग भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए गुरुवार को मतदान डाले गए। प्रदेश के 11 जिलों में 58 सीटों पर शाम 6.67% मतदान हुए थे। बड़ी संख्या में मतदाता वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे। हालांकि आरएलडी नेता जयंत चौधरी अपना वोट नहीं डाल सके। यही कारण है कि बीते दिन राजनीतिक हलचल बनी रही थी। कर्नाटक में शुरू हुए हिजाब विवाद का असर 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा ऐलान करते देखे गए। पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद नई भाजपा सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को बताया कि दिल्ली सरकार यहां जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 25 फरवरी से 12 मार्च तक समाज सुधारक बी.आर. अंबेडकर के जीवन पर आधारित एक नाटक के बड़े पैमाने पर मंचन का आयोजन करेगी। इससे पहले इस नाटक का मंचन 5 जनवरी से किए जाने की योजना थी, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कॉमिंग सेंटर में ऊंचाई वाले इलाके में हिमस्खलन में जान गंवाने वाले 7 लोगों को शनिवार को श्रद्धांजलि दी है। जनरल ऑफिसर कमांडिंग गजराज कॉर्प्स के लेफ्टिनेंट जनरल रविन खोसला और अन्य सैन्य अधिकारियों ने तेजपुर में भारतीय वायुसेना स्टेशन पर श्रद्धांजलि दी। सेना ने कहा कि सुरक्षाकर्मी 14,500 फीट की ऊंचाई पर मुआयना कर रहे थे, तभी हिमस्खलन हो गया। पिछले कुछ दिनों से मौसम खराब होने के साथ ही इलाके में भारी हिमपात हो रहा था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सीबीआई महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ दर्ज धन शोधन के मामले में नागपुर स्थित उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए से जुड़े 12 स्थानों पर शनिवार को छापेमारी की। दिल्ली और मुंबई से सीबीआई के दल शुक्रवार रात नागपुर पहुंचे और उन्होंने शनिवार सुबह छापेमारी शुरू की। अधिकारी ने कहा है कि इस 12 स्थलों में देशमुख के सीए के या तो आवास है या फिर उनके कार्यालय परिसर है। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शनिवार को एक आदेश जारी कर पश्चिम बंगाल विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का फैसला सुनाया है। राज्यपाल ने खुद इसकी जानकारी ट्विटर के जरिए दी है। राज्यपाल ने इस आदेश में कहा है कि भारतीय संविधान की धारा 174 के तहत 12 फरवरी 2022 से राज्य विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद को लेकर के चुनावी राज्य में भी सियासत तेज हो गई है। इस बीच एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। ओवैसी ने सवाल उठाया कि अखिलेश हिजाब के मुद्दे पर आखिर चुप क्यों है। उन्होंने कहा कि आखिर अखिलेश यादव हिजाब के सवालों से दूर क्यों भाग रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कांग्रेस अध्यक्ष प्रियंका गांधी सीएम पुष्कर सिंह धामी के गढ़ खटीमा पहुंची। प्रियंका गांधी वाड्रा ने रैली को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये जो मुख्यमंत्री बैठे हैं जो आपको बिंदिया और चूड़ियां बांट रहे हैं, इनसे पूछिए कि उन्होंने आपको रोजगार क्यों नहीं बांटा। यूक्रेन की धरती पर कुछ हिंसा की गतिविधि की आशंका जताई जा रही है। इसको देखते हुए रूसी के राजनयिकों और दूतावास के कर्मचारियों ने कुछ अवगत परिस्थितियों के कारण यूक्रेन को छोड़ना आरंभ कर दिया है। हालांकि इस स्थिति को देखते हुए राजनयिक संस्थाओं से संपर्क करने की संभावना काफी हद तक कम हो गई है। वोटर आईडी कार्ड सरकार द्वारा जारी किए गए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज में से एक है, लेकिन कई बार वोटर आईडी कार्ड में फोटो, जन्म तारीख या फिर घर का पता गलत दर्ज होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। ऐसे में अगर आपके वोटर आईडी कार्ड में घर का पता गलत दर्ज है तो आप उसे सही कराना चाहते हैं तो ये काम आप घर बैठे ऑनलाइन भी अब करवा सकते हैं। कांग्रेस को तीसरी बार एक और बड़ा झटका लगा है। यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले कांग्रेस की एक और पोस्टर गर्ल ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने का फैसला सुनाया है। कांग्रेस की जानी मानी नेता पल्लवी सिंह ने भाजपा ज्वाइन कर ली है।
देश के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। देश भर की निगाहें इन पर टिकी है। इन राज्यों में देश की 20% आबादी रहती है। चुनाव में जीत के लिए राजनीतिक पार्टियां बढ़ चढ़ कर प्रचार कर रही है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान सम्पन्न हो गया है। रूस ने यूक्रेन पर संभावित रूसी आक्रमण पर बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार अभियान फैलाने का आरोप शुक्रवार को पश्चिमी देश और मीडिया पर लगाया। इस दौरान रूस ने यह भी कहा कि वो अपने स्वयं के आक्रामक कार्यों से ध्यान हटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। CNN की रिपोर्ट के अनुसार रूसी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात एक बयान में कहा कि 2021 के अंत में और 2022 की शुरुआत में बड़े पैमाने पर ग्लोबल इन्फॉर्मेशन स्पेस को मीडिया ट्रायल का सामना करना पड़ा, जिनका उद्देश्य विश्व समुदाय को यह विश्वास दिलाना है कि रूसी संघ यूक्रेन के क्षेत्र पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है। टाटा ग्रुप की एयरलाइंस एयर इंडिया और एयर एशिया इंडिया के पैसेंजर्स के लिए बड़ी खबर है। अब इन दोनों एयरलाइंस के कैंसिल होने पर उन्हें अपनी यात्रा रद्द नहीं करनी पड़ेगी। टाटा समूह ने कहा है कि किसी कारण से दोनों एयरलाइंस की कोई फ्लाइट निलंबित होती है तो उसके यात्रियों को एक दूसरे के विमानों में जगह दी जाएगी। एयर इंडिया और एयर एशिया इंडिया के बीच आपसी सहयोग की दिशा में उठाया गया यह पहला कदम है। मुंबई लोकल ट्रेनों में लोग अब यात्रा के दौरान फिल्में और टीवी शोज भी देख सकेंगे। भारतीय रेलवे के अधिकारी ने बताया है कि सेंट्रल रेलवे और शुगर बॉक्स नेटवर्क्स ने लोकल ट्रेन में कंटेंट ऑन डिमांड सर्विस शुरू की है। इससे यात्री यात्रा के दौरान मुफ्त में फिल्में, टीवी शो और समाचार देखने का आनंद उठा सकते हैं। मुंबई लोकल ट्रेन में रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुजलमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की कार पर हमला करने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 3 फरवरी को असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हुए फायरिंग के मामले में एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक उसके ने मुख्य आरोपी को अवैध हथियार मुहैया कराए थे। पुलिस के मुताबिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। देश का पहला और सुपरहिट शो शक्तिमान जल्द ही फिर से वापसी करने की तैयारी में है। ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस बारे में खुद अभिनेता मुकेश खन्ना ने बताया है कि इस खबर को बताने में देरी हो गई क्योंकि ये बात अब चारों तरफ फैल गई है। दरअसल 90 दशक के मशहूर टीवी शो शक्तिमान के एक्टर मुकेश खन्ना ने बीते दिन यानी कि 11 फरवरी को ऑफिशियली अनाउंस किया था कि वो शक्तिमान पर अब फिल्म ला रहे हैं। रूस और यूक्रेन के चलते तनाव के बीच उस समय युद्ध की आशंका बढ़ गई जब रूसी सैन्य बलों ने यूक्रेन के निकट सैन्य अभ्यास किया। इस पर अमेरिका ने यूक्रेन पर रूसी हमले की आशंका को लेकर अपनी चेतावनियों को बढ़ा दिया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि वो अभी यही नहीं जानता कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हमले का क्या फैसला लिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि पुतिन ने ऐसा करने के लिए आवश्यक सभी संसाधन एकत्र कर लिए हैं। चीन अपनी दादागिरी करने से बाज नहीं आ रहा है। एक स्थानीय अधिकार ने आरोप लगाया है कि चीनी सैनिकों ने 28 जनवरी को लद्दाख में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ किया, कुछ चरवाहों के झुंड को खदेड़ दिया। न्योमा के ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरपर्सन उर्गैन चोडोन ने बताया है कि 28 जनवरी को उस समय घटना हुई जब PLA के सैनिक हमारे इलाके में घुस आए, उन्होंने चरवाहों के एक झुंड को खदेड़ दिया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राज्य में केंद्रीय नागरिक संहिता लागू करने का वादा करने के लिए फटकार लगाई है। सिब्बल ने धामी से कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने की घोषणाओं के साथ अपनी पार्टी और खुद को शर्मिंदा न करे। आगामी IPL को लेकर के आज हुए ऑक्शन में ईशान किशन सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में बिके हैं। उन पर कुल मिलाकर 15 करोड़ 25 लाख रुपए का दाव खेला गया, जिसके बाद मुंबई इंडियंस ने उन्हें एक बार फिर से अपने पास रिटेन कर लिया है। एक समय पर भारतीय बाजार के दिग्गज रहे अनिल अंबानी के दिन काफी बुरे दौर से गुजर रहे हैं। मुसीबत जैसे कम होने का नाम नहीं ले रही। जी हां, शुक्रवार को बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं बोर्ड ने रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के मुखिया अनिल अंबानी को तगड़ा झटका दिया है। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने रेल मंत्रालय के निर्देश के बाद अब ट्रेनों में एक बार फिर से पका हुआ भोजन दिए जाने की सुविधा को बहाल कर दिया है। अब तक 80% ट्रेनों में पका हुआ भोजन दिया जा रहा था, लेकिन अब 14 फरवरी तक 100% ट्रेनों में पका हुआ भोजन मिलना शुरू हो जाएगा। कोरोना महामारी के कारण लागू विभिन्न जगहों के प्रतिबंधों के खिलाफ दुनिया भर में उठ रही विरोध की आवाज में उस समय ऑस्ट्रेलिया की जनता का नाम भी शामिल हो गया जब शनिवार को हजारों की तादाद में नागरिकों ने सरकार के द्वारा लागू COVID-19 वैक्सीन जनादेश को रद्द करने की मांग करते हुए राजधानी में संसद भवन तक मार्च किया। इस प्रदर्शन में शामिल बहुत से बच्चों ने अपने हाथों में फ्री ऑफ फ्रीडम नाउ और नो फोर्स ड्रग्स जैसे नारों के बैनर को थाम रखा था। सोमवार से प्रदेश के सभी स्कूलों को खोलने का आदेश जारी करने के बाद शनिवार को सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों के 100% उपस्थिति का आदेश जारी कर दिया गया है। हालांकि कर्मचारियों को कार्यस्थल पर कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14, 16 और 17 फरवरी को पंजाब में चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें मलबा, दोआब और माझा के तीनों इलाके कवर होंगे। वो 14 फरवरी को जालंधर में, दूसरी 16 फरवरी को पठानकोट में और 17 फरवरी को अबोहर में तीसरी जनसभा को संबोधित करेंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट के बारे में विपक्ष की आलोचनाओं को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि इसमें कई नए प्रावधान किए गए हैं और इससे महामारी से जूझ रही अर्थव्यवस्था में स्थिरता आएगी और सार्वजनिक व्यय से रोजगार अवसर सृजित होंगे। देश में महंगाई को लेकर विपक्ष के आरोप पर उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में आई 9.57 लाख करोड़ रुपए की भारी गिरावट के बावजूद खुदरा मुद्रास्फीति 6.0% से थोड़ी ही अधिक रही। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है राजेश भाई, रघुनाथ प्रसाद, नन्नू कुमार, श्याम राठौर, नितेश कुमार, आंचल कुमारी, प्रिया यादव, सत्यार्थ कुमार, चंदन कुमार, रविलाल यादव, अखिलेश कुमार, जितेंद्र ठाकुर, अमन कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत का कौन सा पर्यटन स्थल घूमने के लिहाज से सबसे ज्यादा बेहतरीन है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।